मैं सैनस अभिलांच। आज का जो वीडियो है जी वो तो है जी शॉपिंग व्लॉग समझ लें आप। हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गए थे तो हमने क्या क्या लिया हम उसको शेयर कर रहे हैं। ग्रॉसरी में क्या क्या चीज़ें आई हैं मंथली। अच्छा जी ये देख रहे हैं आप लज़ानिया हमने ट्राई करना है अपने रेसिपी के लिए। कुछ ये आप देख रहे हैं इसका रिव्यूज़ हम शेयर करेंगे बाद में किस तरह का रहा। ये चीज़ें मैंने बाय की हैं कुछ न्यू थिंग्स बाय की हैं। ये जो स्किन केयर के हवाले से है हेयर के हवाले से है कुछ चीज़ें। बाकी हमारा जो है ग्रॉसरी आइटम्स में क्या क्या है जी ऑयल और घी वगैरह लिया है शुगर ले ली हमने जो मंथली ग्रॉसरी होती है वो ली है। अच्छा हम जाते हुए याद नहीं रहा था अदरवाइज मैं उसको भी बना लेती कि हमने कहाँ से ग्रॉसरी शॉपिंग की। और ये देखिए जी हमारी छोटी छोटी ग्रॉसरी लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बिल बना देती है छोटी छोटी ग्रॉसरी भी है देखिए। अच्छा इस नाइस की जितनी भी प्रोडक्ट्स है ना जो भी मार्ट्स वगैरह में कराची में तो अवेलेबल है और कहीं अवेलेबल है या नहीं अदर सिटीज़ में इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं इनके मसाले हो गए या अदर बहुत अफेक्टिव हैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं इनकी ठीक है जी। और हमारा गर्मी और सर्दी का घर का जो मेन इसको भी आप फर्द ही समझ लें जो शानदार ये हमेशा हमारा होता है इसका पैक ले लिया हमने। उसके बाद बच्चों के लिए थोड़े से ये आ गए बच्चों के लिए नूडल्स हो गए हमारे ठीक है जी। और जो फ्रोज़न आइटम में था जी हमारा सब रोज़ों का जो है चिकन नगेट्स वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपको इकोनॉमिकली भी पड़ते हैं। और ये चीज़ ले लिया हम लोगों ने रियल एग नूडल्स एग नूडल्स भी ले लिए हमने। और ये हमारी जो है दाल ख़त्म हो गई थी मूंग मसूर की दालें हमने ले ली हैं। और क्या रह गया जी हमारा। अच्छा जी ये मैंने स्पेशली अपनी डॉटर के लिए बाय किया है और जो है उसके सर में जो है कहीं कहीं पर जो है थोड़ा सा डैंड्रफ मुझे नज़र आया था तो उसका जो है हमने हेयर का जो है ब्रश बिल्कुल अलग रखना है क्योंकि एक दूसरे का ब्रश यूज़ करने से जो है वो इसकी जो है ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है और सबके सरों में फिर स्टार्ट हो जाती है। और ये हमारा जो है रूम स्प्रे हम परफेक्ट के रूम स्प्रे की सारी ही रेंज यूज़ कर चुके हैं और ये बहुत अच्छे होते हैं इनकी स्मेल बहुत ज़बरदस्त किस्म की होती है। अच्छा जी फिर हमारा आ गया लक्स। अच्छा जी और हमने क्या बाय किया और हमने अच्छा मैं लिक्विड नहीं यूज़ करती हूँ मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है मैं जो है मैक्स के बार ही यूज़ करती हूँ मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि उसको जितना भी वॉश करते रहो वो ख़त्म ही नहीं होता उसके ऊपर से मुझे स्मेल रहती है उसके जो हम वॉश करते हैं बर्तन मुझे ऐसा लगता है क्या कहें फोबिया है ये क्या आई डोंट नो लेकिन कुछ ऐसा है। तो और हमने क्या लिया और हमने लेस्ट्रीन माउथ वाश हो गया कॉलगेट हो गया मिक्सअप चीज़ें हैं काफ़ी सारी हमारी जो जो मेन हमारी ख़त्म हुई थी वो मैंने ले ली क्योंकि हम जस्ट निकले ऐसे ही थे लेकिन फिर गए तो मार्च चले गए और आगे से फिर हमने जो है ग्रॉसरी शॉपिंग कर ली हमने ये सारी। साथ में मैं आपको ये भी शेयर कर दूँ ये भी हमने वहीं से बाय की थी बच्चों की पोर्शन जो है ट्रे है क्योंकि बच्चों को जब खाना देते हैं तो फिर बहुत मैसी कर देते हैं बहुत सारे बर्तन यूज़ होते हैं तो मैंने इसके लिए ये पोर्शन वाले ले लिए थे। अब मैं बच्चों को जो खाना नाश्ता होता है वो इसी में देती हूँ और बाकी खाना वाना भी जैसे हम सैलेड हो गया सालन हो गया रोटी हो गई या कभी चावल हो तो चावल दे दें सालन रोटी इस तरह से। ये बहुत अच्छी है और बहुत रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी ये $1 की शॉप से हमने ख़रीदी थी ये दो हमने ले ली थी दोनों बच्चों के लिए ये भी बहुत अच्छी थी। और हमने क्या लिया है जी और अच्छा जी ये हमारा टिश्यू रोल किचन का ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है हमें ये पराठों के लिए यूज़ भी हो जाता है ये हमने लिया। और कुछ हमने बेकिंग के लिए ले लिया था केक्स या डेजर्ट वगैरह बनाने के लिए ये ले ली थी। उसके अलावा एक और था वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है वो भी हमारी जो है बेकिंग से रिलेटेड था कोको पाउडर हो गया जेलेटिन पाउडर और ये देखें ये सब जो है ये हमने ले लिया और ईस्ट वगैरह ले ली ये सब हमने बाई कर लिया था। अच्छा जी ये तो हो गई ग्रॉसरी और मेन मैंने वहाँ से ये दो तीन चीज़ें बाय की थी ये देख रहे हैं आप इसकी बहुत ज़्यादा जो है आजकल चल रही है क्यूटिश की ये तुर्किश फार्मूला पे बनाई गई है और बनता ये बेसिकली इन पाकिस्तान में ही है और इसके ऊपर पूरा डिटेल वगैरह है इसकी
एक्सपायरी वगैरह सब कुछ मेंशन है इसके ऊपर। मैंने इसको बाय किया था, ये बहुत ज़्यादा जो है फेसबुक पे हो गया, इसके ऊपर मैंने देखा था बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा लोग बाय करते हैं इसको, तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इसको बाय करें और इसका एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहता है, मैं इसको यूज़ करने के बाद फिर इसका भी रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगी बहुत जल्द कि ये किस तरह का लगा। इसकी मैंने क्रीम ली है और ये जो है इसका वाइटनिंग फेशियल फॉर्म है, ये फेस वॉश है, ये ले लिया है मैंने और ये जो है इसकी क्रीम है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं डे और नाइट दोनों में। ये है, ये दोनों चीज़ें मैं यूज़ करने के बाद तकरीबन आफ्टर अ मंथ मैं इसका रिव्यू दूंगी। कहते हैं कि ये जो वन टाइम यूज़ से ही रिज़ल्ट शो करती है, तो फिर हम देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट कैसे होते हैं। और जी, एक मैंने ये बाय किया था पहले भी, मैंने जिसका जो ओल्ड फार्मूला था वो बहुत अच्छा था, वो मैंने यूज़ किया हुआ है, वो वाकई में बहुत अच्छा है, अमेजिंग है। और ये ऑयल रिप्लेसमेंट मैंने लिया है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि जो है स्कूल्स में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग यूज़ नहीं करने देते, आप ऑयल लगा के नहीं भेज सकते, तो आप ये यूज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा मैसी भी हेयर्स नहीं होने देता, बहुत अच्छा है। और आप आयरन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं जैसे हीट प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, बिफोर आप जो फ्लैट आयरन यूज़ करते हैं, स्ट्रेटनर हो गया, ब्लो ड्रायर वगैरह, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप पहले ये यूज़ करें, देन आप करें, आपके जो हेयर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं इससे। तो ये तो बहुत अच्छा है, ये तो मैंने यूज़ किया हुआ है और देखते हैं इस ये अब न्यू फार्मूला किस तरह का, और इसका रिव्यू मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी कि ये रिव्यू कैसा रहता है। बाकी तो ये चीज़ें हमने ले ली और इसको अब हम इसको ऑर्गेनाइज जब करेंगे तो उसकी वीडियो में आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। बिफोर एंड आफ्टर ऑर्गेनाइज़र भी बहुत ख़राब हुआ हुआ होता है, ड्रॉज बहुत मैसी हो जाते हैं, हम निकालते रहते हैं और फिर जल्दी जल्दी रख देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैसीनेस हो जाती है, तो फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। हमारी जो ये छोटी सी थी वीडियो अबाउट द ग्रॉसरी शॉपिंग, हम आज ग्रॉसरी के लिए गए थे और मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। और जी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।